आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जिस दौर में नेता लोग माफियाओं से घिरे रहते हैं, रेत माफिया, बिल्डिंग माफिया, ऐसे दौर में अश्विन जोशी जी कवि और शायरों की संगत करते हैं। अगर हर शहर में इस तरह से कोई विधायक या सांसद कवि सम्मेलन मुशायरा इस रंग का कराना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ 5 साल में देश का वातावरण क्या बात है सर। वाह वाह वाह, बेशक 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 सर। मेरी उम्र से ज्यादा तो सत्तन जी का करियर हो गया कवि सम्मेलन के। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कवि सम्मेलन का वो वैभव जो मैं तो खैर 35 साल से देख रहा हूँ, एक जलवा था, बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया, उनकी उपस्थिति बड़ी बात है। बहुत थोड़े लोग बचे ऐसे। वो सरस्वतीदयाल सक्सेना जी की एक कविता का अंश है कि मेरे भीतर एक कोयल पागल हो गई है, कहाँ से लाऊं आमों से लदी हुई अमराई, कुछ बूढ़े पेड़ पत्तियां संभाले खड़े, यही क्या कम है। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आभारी हूँ भाई दीपक असीम जी का कि उन्होंने मुझे आदेश दिया, मुझे आना पड़ा। आप ज्यादा तनाव मत पाला करो सत्तन जी, जो बात कह गए हैं वो सब चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। ये शरद जोशी जी का शहर है। कितने लोग हैं जिन्होंने शरद जोशी जी को सुना होगा? सर मैंने सुना। हाँ 5-7 लोगों ने सुना होगा जी। आज एक कवि सम्मेलन मुझे मुशायरा इसलिए भी अच्छा लगा, जैसा सत्तन जी कह भी गए, किसी कवि और शायर ने ताली नहीं मांगी। बिल्कुल सही बात, वरना तो वो एकदम भजन संध्या हो जाती है, बजाओ ताली बजाओ ताली। क्या बात है, उस रंग से थोड़ा अलग। एक शेर इसमें बहुत अच्छा था जिसका एक मिश्रा था कि वो एहसान फरामोश है पक्षी जो पेड़ को सूखता हुआ देख करके छोड़ जाते। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई का था। आशु भाई। असल में इस देश में उस आइडियोलॉजी का, उस विचारधारा का ही संकट है। क्या बात है, कौन किस पार्टी से आ रहा है, किस पार्टी में जा रहा है। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, अगर विपत्ति के समय आप उसके साथ में कुछ गड़बड़ करते हैं तो वही बात है जो पक्षी वाली। ये समस्याएं थोड़े दिन की हैं, अभी और अच्छे दिन आएंगे। क्या बात है सर। जब ऐसे लालची और भ्रष्ट सांसद विधायक नेता अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे और रिटायर बूढ़े नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। तो आइडियोलॉजी का संकट है। मैं कुछ एक लघु कथाएं और एक दो लेख आपको सुना देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। मैं पिछले काफी दिन बाद बहुत एक अच्छा कार्यक्रम मैंने सुना, वरना तो दीपक असीम जी तो बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं कवि सम्मेलन की, किसी कवि शायर को नहीं बगसते हैं जो इनको जमता नहीं। एक कवि सम्मेलन में सच्चा किस्सा बताऊं, मैं फंस गया। कवियत्री ने सरस्वती वंदना की, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे, और इतना बेसुरा गा रही थी, मैंने कहा भैया वंदना अपनी जगह, मांग वाजिब। क्या बात है। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आप पैसा बहुत लेने लगे। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। तो आज मुझे आनंद आया इन सब लोगों को सुन करके। हम तो इनकी उम्र में थे तो बहुत कच्चा सोचते थे, तो कितना जोरदार सोचते विचार थे, कितने कितने एंगल निकाले। तो मेरी लघु कथाओं में भी आपको वही शायर का रंग दिखेगा, कम शब्दों में कैसी बात कही जाती है। मैं शरद जी के साथ 2-3 बार कवि सम्मेलनों में गया तो मैंने वो गद्य पाठ का जलवा देखा, तब देखे आप जी। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। क्या बात। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की,
राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और तालियां तो इस बार बजाओगे आप। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। अरे सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है दसवें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। बात इस ढंग से भी कही जा सकती है। अरे सदाचार। पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में। दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपना अपना नया मकान बनवाया है। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक पिता घूस नहीं देगा, बेटा उसके यहां नल नहीं लगने देगा। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे हजार होती हो, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही परस्पर रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। ये सदाचार। अरे मेरी क्या इमेज ऐसी बना दी अश्विनी जी, जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं कहीं भी जाता हूं तो इस तरह की भावना लोगों में रहती है, जबकि 2014 से पहले आप लोगों पे खूब व्यंग किए हमने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आज भी आप देखो सत्यन जी जो बोल रहे थे, कैसे आप हंस हंस के आनंद ले रहे थे। बिल्कुल, पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन भाजपा तो वाजपेयी जी के साथ ही चली गई। बिल्कुल सही बात। सही है। अब तो चीजें ही बदल गई। मैंने 2014 से किसी भाजपाई को हंसते हुए नहीं देखा। गडकरी जी थोड़ा हंसते हैं जब नागपुर जाते हैं, या हो सकता है हंसने के लिए नागपुर जाते हो। अरे पाव। इंदौर तो एक बड़ा जबरदस्त शहर है, मुझे बहुत पसंद है। आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो रास्ते में एक चाय की दुकान पे बोर्ड लगा था, खराब चाय, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। यार कम से कम कह के तो बेच रहा है। है? तो ये सब रंग है। ग्लोबलाइजेशन, गंभीर है थोड़ी। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज, कौन लोग होंगे। उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। क्या बात है सर, क्या व्यंग है। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह। पूरी राम कथा का सार क्या है? ये तुलसी मानस, रामचरित मानस, तमाम पे लड़ाई करते हैं, समझने को कोई तैयार नहीं। पूरी राम कथा का एक ही सार है कि सोने का हिरन नहीं होता। क्या बात है सर, सही है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। ये कुर्सियों पे बिठाए हुए मोहरे हैं, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, डोर कहीं और से हिल रही है। वो आप देख लो, पूरा अमेरिका से लेकर के और यहाँ वहां सब जगह एक जैसी भाषा, एक जैसे नारे, एक जैसा पहनावा, एक जैसी सारी चीजें हैं। ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों के मोहरे, इनके हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बाजार और बाजारवाद दो चीजें,
दोनों में अंतर ये है, बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ये है कि बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा जरूरत पैदा करना। सही बात, वाह वाह वाह, क्या बात। तो वो चाहे महामारी हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, हथियार बना लिए अब प्रयोग कर ले, दवा बना लिए बीमारी पैदा करो, यही सब चीजें होती हैं। आप क्या सोचेंगे, क्या विचारेंगे, ये तक भी कहीं सात समंदर पार से तय होता है। क्या बात। प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह, वो इसलिए प्रेम पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। ये सब चीजें कहीं और से तय हो रही है, जिस दिन उनका काम हो जाएगा उनको नीचे उतार देंगे, दूसरों को बिठा लेंगे। ये सब ऐसे दौर में एक लघु कथा और सुने जी। तमाशेबाज राजा अब देखो मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन इमेज ऐसी बना दी मैं तो अगर ये कह दूं कि मोदी जी 19 में विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं क्या होमवर्क नहीं लेता, मुझे कई लोग कहते हैं साहब धमकी वमकी कुछ मिलती है, मैं कहा मुझे कुछ नहीं मिलती है, मिलती है तो हंस के टाल देते हैं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरी इमेज ऐसी थी, तो मेरे पास राजकोट से एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, मैं कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने आगे छेड़ा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी, मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। होमवर्क मत लिया करो। एक दिन एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने मजाक की मेरे से, सच्चा किस्सा है, मैं तो आप बीती कोई जग बीती बनाता हूं। बोले वो सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो किसी दिन छापे वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिले। और अगली बात जो कही मैंने उसका आनंद लेना, मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जिसको जेल में डालने की और अपराधी और भ्रष्ट कहते हैं वही अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है, शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना। तमाशेबाज राजा, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था, वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। क्या बात है सर। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। अब इसका समापन देखता, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह
कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। एक मंच पर मैंने एक कवि को निष्ठाएं बदलते देखा। कवि का तो काम ही विपक्ष का, कला का दायित्व ही प्रतिपक्ष है, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे संगीत हो, चाहे गीत हो, कला तो है ही प्रतिपक्ष। ये लोग अगर नए ढंग से नहीं सोचेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी? किसी को बुरा लगे तो लगे, ये सब चीजें। तो वो मैंने कुछ ऐसे ही सुनाया, लोगों ने मुझे बिठा दिया हूट करके, लेकिन मैं मेंटली तैयार रहता हूँ कि नहीं सुने जाएंगे तो कोई खास बात नहीं, जहां आदमी नहीं सुना जाता है वहां ज्यादा सुना जाता है। सही बात है, क्या बात है। हाँ, और अब हमें भी आदत पड़ गई, देखेंगे कि भाई अब ये बेशर्मी से बिठाएंगे तो वहां 10,000 रुपए ज्यादा मांग लेते हैं। तो वो फर्क नहीं पड़ती। तो सत्यन जी मेरे समर्थन में खड़े हुए, बोले देखो भाई 12 साल की उम्र में शाखा में जाने लगा था और कट्टर भाजपाई हूँ और 55-60 साल से मैं कांग्रेस को कोस रहा हूँ और आज भी कोसूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कवि को आप सुनोगे, आपको सुनना पड़ेगा। तो एक कवि मेरे पास आए जो किसी जमाने में प्रतिपक्ष थे, आजकल वो गोद में बैठे देश के बड़े कवि, मेरे पास आकर के बोले संपत जी सेंटीमेंट समझा करो। मैंने कहा भाई साहब कवि तो सेंटीमेंट के खिलाफ लिखता है, देश सेंटीमेंट से थोड़ी चलता है, वो तो थोड़ से चलता है। मैंने कहा 2014 के पहले उनपे खूब व्यंग करते थे, तब तो नहीं बोले। बोलो वो तो थे इस लाइक, ऐसा उन्होंने कहा। तब मेरे बात चुप गई और मैंने लघु कथा लिखी, इसकी पृष्ठभूमि भी आप समझ जाएंगे। व्यंग लघु कथा का शीर्षक है हे 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 हे। ये अच्छा मंच है इसलिए सुना रहा हूं, वरना मैं सुनाता नहीं। देखो लालच कैसे प्रतिभा को नष्ट करता है। जो ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ, त्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया। रहीम ने पहली ही घंटी में फोन उठाया, कहो कुंभन दास जी आज हमारी याद कैसे आई? फारसी संस्कृत हिंदी के उद्भट विद्वान व कवि, आलमपनाह अकबर के मुख्य सेनानायक और नवरत्नों में से एक, रहीम के मुख से बिना किसी पूर्व परिचय के यूं अपना नाम सुनकर कुंभन दास को विस्फोटक आश्वस्ति हुई कि जब रहीम की फोन बुक में नाम फीड है तो गुड बुक में भी हुआ ही समझो। कुंभन दास ने पूछा, आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है, आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है? फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की, तब देखे। आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है, आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है? रहीम बोले, जी फतेहपुर सीकरी में है। कुंभन दास बोले, तो आलमताब के सानिध्य में जमाओ सीकरी सीकरी में कवि सम्मेलन। रहीम बोले, लेकिन कुंभन दास जी जहां पनाह तो कविता वगैरह समझते ही नहीं है। कुंभन दास बोले, ये तो और अच्छी बात हुई। हेलो, सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल पड़ेगा। ध्यान से सुनना, कोई कवि कितना फायदा कर सकता है समाज का और कितना नुकसान कर सकता है। हेलो, सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल पड़ेगा। बस आप तो सहनशाह हुजूर तक ये रहस्य पहुंचा दो कि काठ से बनकर ही पत्थर तैर सकता है। क्या बात है। कवि ही की कलम में वह धार होती है कि जघन्य जनसंहारों को भी दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है। क्या बात है यार, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर एक बार और, सर एक बार, सर एक बार और। बस आप तो सहनशाह हुजूर तक ये रहस्य पहुंचा दो कि काठ से बनकर ही पत्थर तैर सकता है। कवि ही की कलम में वह धार होती है कि जघन्य जनसंहारों को भी दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है। कवि ही की वाणी में वह जादू होता है कि राजा की प्रत्येक मूर्खता को उसकी लीला सिद्ध कर दे। क्या बात है, क्या बात है सर। रहीम बोले, लेकिन कुंभन दास जी आप तो कभी अपने एक पद में संतन को कहां सीकरी सो काम कह चुके हैं। कुंभन दास बोले, वह तो मेवाड़ वालों ने कवि सम्मेलन में बुला लिया था इसलिए कहना पड़ा हे 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 हे। अरे क्या बात, अरे क्या, अरे ऐसे निष्ठाएं बदलती। एक रत्न
सपना और सुना दूं। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वहां मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। क्या बात है सर। अब आप व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिले, जैसे एक शायर ने भी जिक्र किया था, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। और जहां मेरी दृष्टि गई व्यंग तक आप अब पहुंचेंगे। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। क्या बात है, वाह वाह, अरे वाह 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 सर, वाह 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 वाह, हक अदा कर दिया। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे अपन कक्का बारकड़ी सीखते थे, अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब व्यंग पर समर्थन करना, वहां पहुंचकर माथा पीटते कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। अरे सर क्या कमाल है यार। श्रोताओं के रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल। अरे कमल झटपट चल।
कमल झटपट घर पर चला, मन की बात करने, मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सी। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात हो गया। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं